जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है राकेश। मैं ऑलरेडी अभी इसकी वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने इसमें पबजी खेल रहा था। क्या हाल है इसके प्रोसेसर का, एक्सिनोस 9611। तभी पता लगता है कि पबजी तो बैन हो गया। और बैन किसने किया? हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट ने पहले भी 59 ऐप्स को बैन किया था और अभी 118 एप्लीकेशंस को बैन किया गया। और इसमें ना मतलब मोस्टली सारी पॉपुलर है, मिलियंस ऑफ डाउनलोड है। जैसे मैं सिलेक्टेड दिखाता हूं आपको, और ये पबजी मोबाइल दोनों है, पबजी मोबाइल लाइट भी है, इंजॉय के लिए गेम खेला जाता है। और गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, इससे क्या होता है आप मेंटली भी थोड़ा सा सही हो जाते हो अगर आप बाहर नहीं जाके गेम खेल सकते। लेकिन वैसे तो बीमार ही होते हो, इन सब के चक्कर में बाहर तो कोई जाना ही नहीं चाहता। तो पबजी मोबाइल, बाबू सोना, इन सब के चक्कर में रोना रोना और उसके बाद बाहर की दुनिया खोना खोना हो जाता है। सच में ये चीज़ें, और एक ट्रस्ट में एक बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये बैन इसलिए किया गया, गवर्नमेंट ने भाई सीधा सीधा कह दिया ये ना जो iOS पे या फिर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे जो ये एप्लीकेशन है ना, ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद इंडिया से बाहर भेजते हैं दूसरे सर्वर्स पे, यानी कि चाइना की है तो चाइना सर्वर पे। इस तरीके से मतलब इनमें आप जानते हो कि पहले भी ये मुद्दे आ चुके हैं। चाइना की गवर्नमेंट एक अलग तरीके से काम करती है, इंडिया जैसे दिलदार नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है, मैं आज आपको सोच रहा हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं इंटरनेट पे क्या क्या होता है, तो शायद आपके फ्यूचर के लिए सही रहेगा। कोई भी जब एप्लीकेशन आती है ना, तो जब वो पॉपुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, फिर इनसे ना एड्स इन पे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल है ना, जैसे हम नया नया खोलते हैं, फिर शुरू में पैसे नहीं मिलते, फिर धीरे धीरे मोनेटाइज हो जाता है, फिर पैसे आने लग जाते हैं, फिर कंपनी हमारे पास आती है, इसको प्रमोट करो, उसको प्रमोट करो। और मेरे पास सबका यही हाल होगा, मेरे पास पर डे की इतनी रद्दी रद्दी एप्लीकेशंस आती है ना, आप सोच नहीं सकते, लाखों कमाया जा सकता है, मतलब मंथली लाखों रुपया। यूट्यूब जो है ना, उसका 5% भी नहीं देता, इतने पैसे आते हैं। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनको लात मार के साइड में कर दिया जाता है, क्योंकि उसी लायक है। पसीना आ रहा आज, लेकिन बस कहना था, जरूरी था। अभी 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन क्या होती है, जब पॉपुलर होने लग जाती है ना, तो इन पैसे इनके साथ भी वही ऐड वगैरह दिखाने लग जाते हैं ना आपको एप्लीकेशन के अंदर। फिर ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, सबको पता कि सारे के सारे इंटरनेट पे आ चुके हैं, आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इवन आप जो इतनी सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, पबजी वगैरह में तो आप क्या करते हो, पैसे से खरीदते हो ना कॉइन वगैरह, जो भी है कपड़े वगैरह, अपने कपड़े खरीदने के चाहे पैसे हो ना हो, पबजी में नए कपड़े मिलने चाहिए। यानी कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये लोग उठाते हैं, इसको फिर ना अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। फेसबुक वाला मुद्दा याद है ना, पॉलिटिक्स वाला रिलेटेड था, वहाँ पर भी यूज़ किया गया था। तो ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन का ना बहुत बुरा यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, और इवन हम लोग, मैं भी जब आपकी एज में था, जो लोग अगर कम एज वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे एप्लीकेशन, टेढ़े मेढ़े लॉन्चर, थीम, पता नहीं क्या क्या, मैं भी डाउनलोड करता था। फ़ोन को रंग बिरंगे बनाने होते हैं, घूमने वाले आइकन ऐसे वैसे। लेकिन अभी के डेट में क्या है, मेरे फ़ोन में बहुत ही सिलेक्टेड जो है एप्लीकेशंस हैं। पबजी बैन होने पे मेरी क्या राय है, मेरी राय ये है कि भाई देखो, इनसे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा शक तो इन पे पहले भी था, अब फंस गए। चाइना में गूगल के एप्लीकेशंस बैन है, चाइना अपनी मर्जी से कुछ भी बैन कर सकता है। गवर्नमेंट कुछ करती है, कुछ प्रूफ होगा तभी किया होगा, नहीं तो इतनी बड़ी कंपनीज के खिलाफ ना कोई ऐसे ही एक्शन नहीं ले लेता मजाक मजाक में। और ये जो गेम्स वगैरह है ना, टिकटॉक भी, ये ना इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता है, आप ये चीज़ नहीं जानते, इसके लिए पूरी पूरी टीम होती है, वो इस तरीके से इनको डिज़ाइन करती है कि ये ना आपको आदत लग जाए। जैसे टिकटॉक में क्या था, 15-15 सेकंड की वीडियो, मतलब फटाफट आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। सेम गेम के साथ है, इस तरीके से बनाया जाता है, फिर आप लोगों को लत लग जाती है, फिर ऐसे कपड़े खरीद रहा है कोई, कॉइन खरीद रहा है, पता नहीं क्या क्या खरीद रहा है। आप देखते हो ना, इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर बनाती हैं ये कंपनीज, इनको ये कम पड़ता है। उसके बाद ये लोग इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन अलग बेचते हैं। इवन जो ये चाइनीज सर्वर वाली एप्लीकेशंस हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशंस ही गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं, और उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन उठाते हैं,
और ये फ्यूचर में किसी भी गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। इन एप्लीकेशंस के ऊपर ना बहुत सारे शक होते हैं। अगर जैसे ट्रू कॉलर की बात करें, आप लोग मोस्टली हर कोई फोन में यूज करता है, ट्रू कॉलर पे आपके पास जो नंबर आते हैं स्पैम में दिखा देता है। ये मैं गूगल के हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। वहाँ पे तो ये भी पाया गया, कुछ लोगों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि भाई पैसा खिलाते हैं इनको, पैसा खिलाने के बाद वो नंबर ही स्पैम लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। मतलब वो कुछ भी नहीं करते आपके लिए, इवन किसी का नंबर भी शेयर किया जाता है पैसे लेके। बहुत सारी चीज़ें, ये जो इंटरनेट की दुनिया है ना, बहुत ही गंदी दुनिया है। गंदी का मतलब बहुत ही गंदी नहीं, ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे बिजनेस चलता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा कमाया जाता है आज की डेट में। शेयर इट, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हो, गूगल फाइल्स गो इस्तेमाल कर लो। धीरे धीरे अगर आप लोग इनका यूज़ करने लग जाओगे तो वो लोग नए नए ऑप्शन डालते रहेंगे उस एप्लीकेशन में। कोई एप्लीकेशन आते ही पॉपुलर नहीं हो जाती। गेम से भी आपको ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे पबजी हो, कल को कोई और भी गेम पॉपुलर होगी ना, थोड़ा सा लाइफ को चिल मारो यार, घूमो फिरो, अपने आप को ऐसे मस्त हड्डियाँ मजबूत करो, काम आएगा आगे चल के। पबजी बैन होने के बाद मम्मी पापा ये सोचेंगे आपके कि भाई अब हमारा लाल पीला कुछ बड़ा हो गया, कुछ तो बनेगा। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, इसी मौके पे बात किया जाए आपको, थोड़ा सा बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया जाए कि इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट बहुत ही, तो पहुँचाओ इस मैसेज को अपने दोस्तों तक और वीडियो को शेयर करके, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।